वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। तो दोस्तों, आज एक तवील अरसे के बाद मैं आपसे टॉप 5 मीम कॉइंस शेयर करने जा रहा हूं और उनके ऊपर एक अच्छी खासी वर्किंग करने के बाद हमने ये फैसला किया है कि हम वो कॉइंस आपसे शेयर करेंगे और आप उन कॉइंस से सिर्फ $10 की इन्वेस्टमेंट से काम लेंगे और वो कॉइन आपको आने वाले वक्तों में एक अच्छा प्रॉफिट दे करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब दोस्त अगर ऑलरेडी मेरे साथ हैं काफ़ी लंबे अरसे से, तो ये बात आप जानते होंगे यकीनन कि मीम कॉइन अपने आप में पहले ही जीरो से भरे होते हैं। किसी में 9, किसी में 8, किसी में 6 जीरो की हमें पहले से ही लाइन लगी दिखाई देती है। ऐसे में कई मीम कॉइंस जो जीरो से भरे होते हैं उनको जीरो होने में देर नहीं लगती, लेकिन क्योंकि हम आपके लिए एक अच्छी खासी मेहनत करने के बाद और चुनकर उन मीम कॉइंस को लेकर के आते हैं ताकि आपके लिक्विड होने के चांसेस, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके कम हो, तो आपने सेफ ट्रेड के लिए सिर्फ इनमें $10 की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपके $10 आपको किसी भी वक्त 100, 200, $300 तक का प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग। तो दोस्तों, जहन में रखा करें कि मेरी वीडियो का जो सब्जेक्ट होता है उसे आपको लाजम फॉलो करना होता है। जैसे कि सब्जेक्ट है मीम कॉइन और सेकंड सब्जेक्ट है लॉन्ग टर्म। यहां पर आप दोनों में से अगर एक को सुनते हैं और एक को मिस कर देते हैं तो इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। लिहाजा मीम कॉइन कोई भी ऐसा नहीं होता जो आपको फौरी तौर पर प्रॉफिट दे, इनको आपने बाय करना होता है इंतहाई कम प्राइस में। यहाँ पर मैं आपको एज अ डिस्क्लेमर एक बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपने लालच करके इसमें $50,000 लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मीम कॉइन को इग्नोर करना भी एक बेवकूफ़ी होती है, लेकिन कम्युनिटी में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म को लाइक करने वाले, स्टेबल कॉइन को लाइक करने वाले, इस तरह के कोई 50 कॉइन मार्केट में कैटेगरी के हिसाब से अवेलेबल होते हैं, लेकिन मीम लवर्स की भी शिबा इनू के बाद एक अच्छी खासी कम्युनिटी गेन हो चुकी है। तो दोस्तों, स्टेबल मीम कॉइंस मैं आपसे आज शेयर करूंगा और आपने उसमें जो मैंने टेन्योर बताया उसको फॉलो करना है वीडियो में आगे चल करके, और वीडियो को कोशिश कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक पार्ट आपने गौर से देखना है ताकि आप उसमें से अर्निंग कर सकें, जो कि इतना आसान काम नहीं होता जब तक आप वीडियो को समझ ना लें। तो जल्दी से बढ़ते हैं उन मीम कॉइंस की वैल्यूज की तरफ। उससे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो आपसे, तो बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप 5 मीम कॉइन में से एक्स क्वैक कॉइन के बारे में, यानी कि एक्स क्यू के इसका जो है नाम है और रैंक इसका है 6348। दोस्तों, काफ़ी हद तक ये स्टेबल कॉइन है, मार्केट में वर्क करता है और आप इसे इजीली 5056 में बाय कर सकते हैं, और अभी क्योंकि ये ऑलरेडी आपको 18.36% के लो में देखने को मिल रहा है, तो आपने सिर्फ इसमें $10 इन्वेस्ट करने हैं। और अगर आप बात करते हैं कि आपको किस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा बिल्कुल आसानी से, तो ये सभी कॉइन्स आपको आसानी से अवेलेबल होंगे पैनकेक स्वैप पे, यूनी स्वैप पे, आप इन्हें इजीली जा करके बाय कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर ना मिलें तो आप कुकॉइन पे भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ कॉइन स्टैब्लिश होकर नई एप्लीकेशन में भी लिस्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी एंट्री की, तो आपने इसमें 5056 तो भी आपको देखने को मिल रहा है और डिक्रीज भी 18% का हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें किसी वक्त भी एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज 5045 में भी इसमें आप खासी एंट्री ले सकते हैं जब मार्केट मजीद क्रैश कर जाए। और यहाँ पर फिर से आपको याद दिलाता चलूँ कि आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है। अब अगर इसके दोस्तों हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये 4025 से 5056 पे आ चुका है, अपनी वैल्यू इसने अच्छी खासी खो दी है, और यही दोस्तों मीम कॉइन का चार्म होता है कि इसमें आपके पैसे कम लगते हैं और प्रॉफिट होता है ज़्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट मीम कॉइन की तरफ। तो जो सेकंड एंट्री आपने अपने पोर्टफोलियो में जिस मीम कॉइन की करनी है उसका नाम है डो बो, यानी कि डोज बोंक इसका मुकम्मल नाम है, और रैंक है इसके 7028 7035 में ये हमें अभी बाय करने को अवेलेबल है। 10% का लो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने इसमें एंट्री 7020 में करनी है और ये आपको बहुत जल्द 7020 में बाय करने को मिल जाएगा। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों, तो ये 6035 में अवेलेबल था, अभी ये 7035 में आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये कॉइन भी अपने आप में मीम कॉइन्स के अंदर एक नाम पैदा कर रहा है, और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी आप इसके साथ $10 में एक अच्छी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जल्दी से थर्ड मीम कॉइन की तरफ।
थर्ड मीम कॉइन की एंट्री जो आपने अपने पोर्टफोलियो में करनी है दोस्तों, उसका नाम है एप एनएफटी। एनएफटी उसका ही यानी कि कोड वर्ड है। रैंक इसका 131 है दोस्तों। ये कॉइन बहुत ही अच्छी फ्लक्चुएशन इस वक्त मार्केट में कर रहा है। अगर आप देखें तो फिलहाल अभी तो हमें इसमें मूवमेंट कोई देखने को नहीं मिल रही, लेकिन पास्ट इसका जो वर्किंग के लिहाज से है वो बहुत अच्छा है। अगर हम इसका ऑल टाइम जो वर्किंग सिस्टम देखें तो वो कदरे बेहतर है आज से, यानी कि ये 5070 से अभी 5015 पर आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको रैंक वाइज भी, यानी कि 131 कोई रैंक छोटा नहीं होता, जिसे कॉइन मार्केट कैप कह रही है कि इसका रैंक जो है 131 है, तो इसको अगर हम फॉलो करते हैं रैंक वाइज भी, तो मैं समझता हूँ कि आप इस कॉइन में अभी एंट्री ले सकते हैं। और इससे पहले कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए तो आप इसे मिस कर दें, आप इसे इजीली $10 का बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, और मुझे ऐसे लगता है कि आप जल्द इंशाल्लाह इसमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे, जिस तरह पास्ट में मेरे बताए हुए कॉइन से आप अर्न करते रहे। नो डाउट कई कॉइन स्ट्रक भी हो जाते हैं दोस्तों, और एनालिसिस हमारे यहाँ तक ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं कि हम अगर 5 कॉइन आपसे शेयर करते हैं तो उन 5 में से 3 ज़रूर वर्क करते हैं, और अगर आप जिस किसी में स्ट्रक भी हो जाते हैं तो याद रखिएगा कि वो कॉइन कोई लिक्विड कॉइन नहीं होते, कोई कल को आपके ज़ाया नहीं हो जाते, स्कैम कॉइन नहीं होते। अब बढ़ते हैं जल्दी से फोर्थ वन मीम कॉइन की तरफ। तो दोस्तों फोर्थ वन मीम कॉइन के तौर पे आपने अपने पोर्टफोलियो में डोज लोन मार्स को लाजिम ऐड करना है। आपको याद होगा कि करीब 3 माह पहले मैंने ये कॉइन आपसे शेयर किया था, उस वक्त ये 7020 में अवेलेबल था और आज ये 6067 पे आ चुका है, यानी कि एक जीरो भी कम हुआ और आगे से वैल्यू भी। और आप में से जिस दोस्त ने भी $10 की बाइंग की होगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर बल्कि 110% आपको मीम कॉइन में एंट्री सिर्फ $10 से के सर्कल में बताता हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मैं रिस्क लेने की बात नहीं करता मीम कॉइन को लेकर। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में डोज लोन मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका एक जीरो पिछले 3 माह में कम हुआ है, मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट 3 या 4 मंथ में इसका एक और जीरो कम होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी हमें ये 6067 पे दिखाई दे रहा है। जैसे ये 6799 की शक्ल क्रॉस करेगा तो एक जीरो और कम हो जाएगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी टॉप 5 कॉइन में से एक ये कॉइन है और एक इसके बाद मैं शेयर करूँगा, इन दोनों में आप $10 से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा सुपर मीम कॉइन्स हैं, तो दोस्तों इसे मिस मत कीजिएगा। एंट्री लेना चाहें तो आप इसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं जल्दी से लास्ट वन एंड सुपर वन मीम कॉइन की तरफ। लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं ई कैश के बारे में। 4080 में हमें ये बाय करने का अवेलेबल है, और मेरी डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की वीडियो में ये मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन मेरे व्यूवर्स को थी 4068 पर, और कई दोस्तों ने हो सकता है मुझे फॉलो करके इसे बाय कर रखा हो और कईयों ने इग्नोर कर दिया हो। तो दोस्तों आज के इसके हाई की बात करें तो 4083 का इसने हाई लगाया है। इस बुरी तरीन मार्केट में ये कॉइन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और रैंक इसका 58 है। ये नीम है कॉइन है, यानी कि नीम कॉइन किस तरह का कि मीम भी इसे कह सकते हैं, और सुपीरियर कॉइन में भी इसकी एंट्री हम डाल सकते हैं शिबा इनू की तरह। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस कॉइन को मिस नहीं करना, और इस कॉइन की एक अच्छी और ख़ासियत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको अकेला ये ऐसा कॉइन है जो आपको बाइनांस के ऊपर भी अवेलेबल होगा बाय करने को, और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्द डोज लोन मार्स भी आपको बाइनांस के ऊपर अवेलेबल होगा। तो दोस्तों होपफुली इन 5 कॉइन से आप एक अच्छी अर्निंग गेन करेंगे, और जब आप अच्छी अर्निंग गेन कर लेंगे तो उसके ऊपर भी मैं आपको इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा, ताकि सबको मैं इस बात का एहसास भी दिला सकूं कि हमारे बताए हुए कॉइन से आपने कैसी अर्निंग की। जैसे रिसेंटली आपने IMX से, BCS से, बहुत से ऐसे कॉइन थे जिससे आपने अर्निंग की। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में हर स्कैमर से बच के रहिएगा। कोई भी शख्स मेरी तस्वीर लगाकर आपसे पैसे या पैकेजेस की डिमांड करे तो उसे आपने ब्लॉक कर देना है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर आप मिडनाइट वीडियो अभी आप सर्च कर रहे हैं और आपको अगर मिल नहीं रही, तो यकीनन आपने हमारा सेकंड सपोर्टिंग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।